हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। सो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बजट की वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो इस वीडियो में मैं आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत की प्रॉपर बजट की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये यात्रा मैंने 2024 के मई मंथ से लेकर जून मंथ तक की है, और यह यात्रा का जो मेरा पैकेज है ये 6 डे और 5 नाइट का था। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा जो ये पैकेज है ये काठगोदाम टू काठगोदाम था, और फर्स्ट डे में आपको लंच इंक्लूड नहीं होता है, आपको डिनर इंक्लूड होता है और शाम का नाश्ता। और फर्स्ट डे जो आपको विजिट करवाया जाता है वो है बाबा नीम करौली आश्रम श्री जागेश्वर धाम, और उसके बाद 8 घंटे की ड्राइविंग के बाद आपको पहुंचाया जाता है पिथौरागढ़। आपका जो फर्स्ट नाइट स्टे होता है वो पिथौरागढ़ में होता है। आइए बात करते हैं डे टू की। तो डे टू में पिथौरागढ़ से आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करवा के नाभि लेकर जाया जाएगा वाया धारचूला। और जिनको पता नहीं, मैं उनको बता दूं कि धारचूला में यात्रा परमिट बनती है, आदि कैलाश के लिए आपको परमिट लगता है, और उसका क्या प्रोसीजर है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हो, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जो मेरा डे टू है उसमें भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों इंक्लूड होता है, और जो मॉर्निंग में आप पिथौरागढ़ से निकलते हो आपको नाभि तक पहुंचाया जाएगा वाया धारचूला, जिसके लिए पूरी रात लग पूरा दिन चला जाता है। तो पूरा जो डे टू है वो ऐसे जाता है। हम बात कर लेते हैं डे थ्री की। तो डे थ्री में आपको अर्ली मॉर्निंग नाभि से आपको जॉलिंगकॉन्ग लेकर जाया जाएगा, जो कि 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ से श्री आदि कैलाश की चढ़ाई स्टार्ट होती है। और उसके बाद आपको पार्वती कुंड भी लेकर जाया जाता है, और जो हमारा डे थ्री है वो पार्वती कुंड और श्री आदि कैलाश के लिए होता है। अब बात करते हैं डे फोर की। डे फोर में जो विजिटिंग पॉइंट है वो फर्स्ट है ओम पर्वत। ओम पर्वत आपको अर्ली मॉर्निंग आपको लेकर जाया जाएगा दर्शन के लिए, और उसके बाद आप रिटर्न आओगे धारचूला के लिए। धारचूला के बीच में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तब आपको पड़ता है बीच में काली नदी मंदिर, काली माता मंदिर, जहाँ पे वो उनके दर्शन करवाए जाते हैं, और उसके बाद आपको लाया जाता है धारचूला। डे फोर में भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों इंक्लूड है, और आपका जो नाइट स्टे है वो रहेगा धारचूला दीदी हाथ में। डे फिफ्थ जो है, डे फिफ्थ में आपको श्री पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करवाए जाते हैं, और जो जो वहाँ के साइट सीन है आपको वहाँ पे दर्शन करवाए जाते हैं। और डे फिफ्थ का जो नाइट स्टे होता है वो चकोरी में होता है। डे सिक्स में आपको काठगोदाम फिर से ड्रॉप कर दिया जाएगा, और उसमें सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। तो ये था मेरा 6 डे और 5 नाइट का पैकेज। अभी इसका कॉस्ट क्या है और इसमें कौन से हमने पॉइंट, कौन से मंदिर विजिट किए वो मैं आपको बता दूँ। सो मैं आपको बता दूँ, ये सारे जो प्लेसेस है ये मेरे पैकेज में इंक्लूड थे, यानी कि आपको जो 6 डे और 5 नाइट का जो पैकेज है काठगोदाम टू काठगोदाम, इसमें ये सारे प्लेसेस इंक्लूड है, आपको सारे दर्शन करवाए जाते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया सुविधा से। सो चलिए अब जानते हैं पैकेज कॉस्ट की। तो जो इसका जो पैकेज कॉस्ट है वो 20,000 पर पर्सन है, जिसमें आपको 6 डे और 5 नाइट और जिसमें खाना लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब इंक्लूड है। सो ये है 20,000 वाला पैकेज, जिसमें आप बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यात्रा कर सकते हो। और अगर मैं इसमें अपना नैनीताल का खर्चा ऐड करूं तो मेरा जो टोटल हो जाता है वो 25,000 हो जाता है। और हाँ, इसमें मैंने अपने टिकट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, अगर टिकट्स इंक्लूड करूँगी तो वो जाता है 30 तक। गाइज, ये मैंने शेयर किया है आपके साथ मेरा पैकेज 20,000 पर पर्सन, और जो मेरा अलग से मैंने नैनीताल गई थी उसका जो भी था वो भी मैंने ऐड किया है 5,000। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अकेले यात्रा करना चाहते हैं या कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं करना चाहते, तो वो यात्रा खुद से भी कर सकते हैं। और उसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि कितना कॉस्ट रहेगा, तो लगभग 13,000 से 15,000 आप इंडिविजुअल पर पर्सन, आप 13,000 से 15,000 के अंदर आप ये यात्रा अकेले कर सकते हो बिना किसी ट्रैवल एजेंसी के। लेकिन जो मेरे ट्रैवल एजेंसी के साथ मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और बढ़िया रहा, क्योंकि जो मेरी यात्रा है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से करवाई।
ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मैंने आदि कैलाश की यात्रा की है। इनके साथ मेरा पहला अनुभव था और इतना शानदार था, इतना बढ़िया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो गई। यात्रा कैसे हमने कर ली हमें पता भी नहीं चला। सारी जो होटल्स, खाना पीना, रहना, जितनी भी व्यवस्था थी बहुत बहुत ही बढ़िया थी। और इसके लिए मुझे कोई चार्ज मैंने नहीं किया है कि मैं उनका कॉम्प्लीमेंट करूँ, बट ये मेरी मेरा जो है वो रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँ। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। और आगे मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।